अस्सलाम वालेकुम आदाब, पुकार न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज कस्बा डोडा के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में यूटी लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स अंडर 17 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया गया, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा किशोरी लाल शर्मा ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इत्तला के मुताबिक इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के 15 अजला की टीमें शिरकत कर रही है, जिनमें तकरीबन 180 लड़कियाँ हिस्सा ले रही है। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा किशोरी लाल शर्मा, DYSSO डोडा जाफर हैदर शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन जम्मू मोलराज, ZPEO बाला प्रीतम सिंह और इंचार्ज ZPEO डोडा किशोरी लाल के साथ साथ कई सीनियर ऑफिसरान भी मौजूद थे। पुकार न्यूज में फिलहाल इतना ही, मजीद तफसील परवेज अहमद से। मेरा फिजा तारिक, बहुत कुलगाम डिस्ट्रिक्ट पे। क्यों लोग ये होती है? वारिया माज लोग में क्या वाइज के प्रॉब्लम के तो योर इनस में ना वारिया ज्यादा ट्रैफिक होस तो रिपीट देने के प्रॉब्लम है इनस में। किस के इंतजाम आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ? वारिया ज्यादा काल होते कहीं भी जो है मोस वारिया असल इंतजाम थमत करे के मतलब सारनी गयो असल के हम इस वेट करन अस बगेस वारिया ज्यादा खुश। हालांकि मेरी फ्रेंड्स भी मेरा नाम आलिया शौकत है। खुशकिस्मत के अच्छे यूथ मौका मिला इस आई यूर अच्छे लोग वो चीज़ थी कि अच्छे गिंदन अच्छे वारिया ज़्यादा खुश शुक्रगुजार डीजे डायरेक्टर बूथ सर्विस आर सपोर्टर्स डॉक्टर सलीम रहमान की तुम पज पे मौक़ दिवान कि हकन वुत आज गड़ी बहुत सारी खुद ज़्यादा शुक्रगुजार डिस्ट्रिक ऑफिसर गुलाम हसन लोन साहबस कि तुम पान तथ पा ट्रीट कर मोल अक बची ट्रीट कर तुम ट्रीट कर। थैंक यू सर। मे ना आलिया शौकत, बहुत कुलगाम डिस्ट्रिक्ट पे आमुत योर वाली बॉल गिंदने टूर्नामेंट ये डोडा क्या लोगों तो डोडा डोडा लोग मजा अस इंतजाम तो कर्मुत असल यमो इस वे कॉल लेट यही कुछ 11 बजे हम पहुंचे तो ये तो कर्मुत असल इंतजाम इस लोग जम्मू एंड कश्मीर हाईवे पे थोड़ा ट्रैफिक रोड खराब हुई करो गवर्नमेंट से गुजारिश कि रोड करें ठीक तो यही तो लोग टाइम ट्रैफिक सर। सबसे पहले आप हमें अंडर 17 जो ये टूर्नामेंट गर्ल्स क्यों नहीं जा रहे हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। ये जो आपको आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वॉलीबॉल अंडर 17, तो ये आज जो टीमें हैं पूरे यूटी के अलग अलग ज़िलों के यहाँ पे टीमें आई हुई हैं। ये गर्ल्स टीम्स है और सारी टीमें अभी यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने जा रही हैं। टोटल 16 टीम्स हैं, 16 टीमें हैं। इससे पहले हमने अंडर 19 किया, ये अंडर 17 है और इसके बाद अंडर 14 भी होगा। तो सर जैसे कि अंडर 19 में हमको 12 सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिली, यहाँ पे अंडर 17 की बात की जाए तो 17 हमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स हमें देखने को मिली, तो क्या फिर भी अभी भी कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं? क्यों कुछ कोई इसके पीछे कारण? नहीं, ऐसा कोई खास कारण नहीं है। ये तो अंडर जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पार्टिसिपेट करना है। हो सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट दूसरे ज़िलों में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से भी टीमें दूसरे ज़िलों में गई हैं। ये पूरे सारे ज़िलों में इस किस्म के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और उस वजह से कहीं दूसरे ज़िलों में इनकी टीमें गई होंगी। सर, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजते हैं, कुछ और पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना कहूँगा ये कहना चाहूँगा कि गेम्स जो हैं आज, ये न सिर्फ कि अपनी फिटनेस वो तो है ही उसके लिए, लेकिन ये एक करियर भी है। आपने देखा होगा कि हर गेम में आज जो एक्सेल करता है, जो इसको एज ए करियर ले लेता है, वो आगे बड़ा नाम कमाता है। उसे पूरे किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहती है, शोहरत भी, पैसा भी, हर कुछ इस गेम्स में है आज। इसलिए मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अपने बच्चों को गेम्स में आगे लाएं, गेम्स खिलाएं, और उनका अगर इसी में करियर बनता है तो बहुत अच्छा है।
सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहली बार यूटी लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट का ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट देखने को मिला हमें, तो क्या सर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में और भी मैचेस हमें यहाँ पे देखने को मिले? बिल्कुल, अभी तो आपने देखा कि यहाँ पे वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, दूसरे ज़िलों में दूसरे गेम्स में भी टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी आगे दूसरे टीम्स भी आएंगे और उसमें भी ये गेम्स होती रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि इंटर डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल 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 यूटी लेवल पे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होंगे आगे भी हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएंगे और यहाँ पे होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। डोडा के निवासियों के लिए एक बेहतरीन खबर, अब आपके डोडा शहर के इकलौते केबी सुपरमार्ट वन स्टॉप शॉप में उपलब्ध है आपकी जरूरत के हर सामान की अथोराइज डीलरशिप, जैसे बीकेनो, आची मसाले, घड़ी डिटर्जेंट, लॉटी चौकोपाई, हिमालय प्रोडक्ट्स, नीता मेहता मसाले, स्कॉच ब्राइट, पी मार काटा और यूनाइटेड 18। तो बिना देर किए अभी जाइए अपने केबी सुपरमार्ट वन स्टॉप शॉप नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में और लाभ उठाइए। अपने ब्रांड के एडवर्टीजमेंट के लिए जुड़े पुकारने उससे और संपर्क करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर।